बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। पहले तो महोदय सॉरी पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, तेमज हमारे विषय पे आओ, समय बहुत कम है, अरुणराग ठाकुर जी और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने मुझे रेल बजट पे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम 150वीं गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं और आने वाले 2022 में 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ भी हम मनाएंगे। आज पिछली सरकार ने इस देश में 55 साल से ज़्यादा शासन किया, लेकिन जो देश की दुर्दशा की और खास करके रेलवे में, वो आज तक भी हम ही सोचने में पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात अमरेली में अमरेली की बात कहो, अंग्रेजों ने 1912 में रेल लाइन बिछाई थी, आज 2019 से 100 साल से ज्यादा भी समय से भी एक भी लोखंड का पुर्जा नहीं बदला था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद जो मेरे क्षेत्र में अभी ब्रॉडगेज के माध्यम से जो काम हो रहा है, वो आज 2014 के बाद हो रहा है, जो आज 72 साल की आज़ादी के बाद। तो मैं सीधा अपने डिमांड पे आता हूँ सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में आज जो ढसा से खिजड़िया लोनीधार और लोनीधार से जैतलसर का ब्रॉडगेज का काम चल रहा है, पिछले 2 साल से काम चल रहा है, वो एकदम धीरे गति से चल रहा है, उसको अभी 2 साल लगेगा अगर इसी तरीके से चलेगा तो उसको में जरा गति आनी चाहिए। दूसरा, इसी ब्रॉडगेज में खिजड़िया से अमरेली, चलाला, धारी, विसावदर, तालाला, जूनागढ़, प्रासी और कोड़ीनार, वो उसका ब्रॉडगेज में परिवर्तन करना चाहिए। थैंक यू। आरईएनएल से रेल विकास निगम की ओर से उसका डीपीआर और एस्टीमेट भी बनकर आ गया है, उसका ये रेलवे विभाग को दे दिया है। और जो गारियाधार पालीताना, जो विश्व का सबसे बड़ा जैन दरासरों का और जैन धर्मों का स्थल है, एक मिनट सभापति, जो जैन धर्म का स्थल है पालीताना, वो 359 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है 2015 में, उसका भी काम अभी रुका हुआ है। और एक लास्ट में मेरा जो सूरत, बॉम्बे और अहमदाबाद जो बांद्रा महुआ ट्रेन चलती है, लगभग आज मेरे क्षेत्र से 10 से 12 लाख लोग सूरत, बॉम्बे और अहमदाबाद में बसर कर रहे हैं उसका तो काम धंधा के लिए, लेकिन मेरे क्षेत्र से 300 से ज्यादा प्राइवेट लग्जरी बन सकती है, लेकिन ये ट्रेन को खंडे चलाया जाए, मैंने बार बार उसकी मांग की है। ये जूनागढ़ के एमपी के साथ